जाएगा भाई। तो फाइनली आप मेरे बैग में देख रहे हैं, हम हैं केदारनाथ बाबा जी के दरबार में और बिल्कुल गेट के बाहर खड़े हैं। हम चार धाम यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी के साथ जो हमारी है आज तीसरा धाम जो है कंप्लीट हो गया है। यू ने भी जो है तीसरा धाम कंप्लीट कर लिया है। हर हर हम हो महादेव, जय केदार। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। कल तक के व्लॉग में हम जो पहुंचे थे, हम पहुंचे थे बेस कैंप तक। तो अभी जो टाइम हो गया है 5:30 हो गई है, अभी हम चल रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करने। हम चार धाम की यात्रा पर निकले हुए हैं, ये हमारा जो है थर्ड धाम है। और हम कल जो रात लेट हो गए थे तो इसीलिए, और थक बहुत गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसी वजह से हम जो बेस कैंप में जो है स्टे, हमारा जो रूम भी था बेस कैंप में था। पहले जो हमारा प्लान था डायरेक्ट जाने का था केदारनाथ का, लेकिन हमने बेस कैंप में ही रुक लिया। अब जो हम जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे केदार बाबा जी के दर्शन करने, तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आज जो हम दर्शन करवाने वाले हैं, केदार बाबा जी के दर्शन करवाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सुबह सुबह जो बेस कैंप का नज़ारा है, सुबह सुबह जो बेस कैंप का नज़ारा है कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, लोग जो है बहुत ही, कल रात शाम तक तो बहुत भीड़ थी, अभी लोग हैं जो भी सोए हुए हैं या कुछ जो अर्ली मॉर्निंग उठ के जो दर्शन कर रहे हैं, कुछ जो है दर्शन कर चुके हैं और वापस की तरफ में जा रहे हैं। देखिएगा, ये जो है GMVN का ये जो बेस कैंप है जो हमने बुक किया था नंदी कॉम्प्लेक्स केदारनाथ बेस कैंप के अंदर। और ये देखिएगा ऊपर, देखिएगा ये, देखिएगा ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। और देखिए क्या शाइनिंग मार रही है बर्फ़ के ऊपर। हम जो इस टाइम पर रुके हुए हैं बर्फ़ों के अंदर रुके हुए हैं, और जो यहाँ पर है जो ठंड जो है बहुत तेज़ है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अब हम चल रहे हैं केदारनाथ। यहाँ से जो है 1 किलोमीटर मैक्सिमम, 1 किलोमीटर है, मीन्स 700 से 800 मीटर बताया, 700 से 800 मीटर की दूरी पे जो है जन्नत जो है उसके दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चल रहे हैं हम केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने। चल चुके हैं दोस्तों केदारनाथ घाटी के अंदर जो है इस टाइम पर, और अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए केदार बाबा के। ये देखिएगा नज़ारा, और अर्ली मॉर्निंग में जो हम जा रहे हैं, ये देखिएगा थोड़ी ऊँचाई है, और उसके बाद जो है केदार बाबा के दर्शन होंगे। आपको बने रहिएगा मेरे साथ, चल रहे हैं सुबह सुबह केदार बाबा के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अभी बेस कैंप से जो हवाई पैड है, हेलीपैड है, हेलीपैड पे। ये देखिएगा, ये सामने हेलीपैड है, और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, और हेलीकॉप्टर जो है अभी यहीं पे आएगा। ये देखिएगा, ये हेलीपैड है, और ये देखिएगा लोगों की भीड़, और वो रहा सामने हमारे महादेव का मंदिर। यहाँ से कैमरे में थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, पास में जाके बताएंगे। ये देखिएगा, देख रहे क्यों वो आ गया हेलीकॉप्टर, पहाड़ों के बीच में से उड़ता हुआ देखिएगा हेलीकॉप्टर। ये देखिएगा, ये आया, ये आ गया है जी हेलीकॉप्टर। शोर देखिए कितना चल रहा है, ये देखिएगा। और हवा इसकी इतनी तेज है, यहाँ तक बहुत तेज हवा है। हेलीकॉप्टर के पास क्यों कह रही है हेलीकॉप्टर पे बैठना है? बाबा ने चाहा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये देखिएगा, के लिए ये
देखो करेगा ये ब्लू कलर वाला, पीछे व्हाइट कलर, ये देखिएगा वाह जी वाह, बहुत तेज हवा, बहुत तेज हवा, वाह जी वाह। और ये कर गया है लैंड, ओ हो, बहुत तेज हवा के साथ उड़ रहा है ये, और ये चला गया है वापिस नीचे गौरीकुंड की तरफ, और दूसरा भी लैंड कर गया है, बैक टू बैक दूसरे ने लैंड कर लिया, ये घुमा और ये चला गया है। हर दो मिनट भी नहीं लगता, एक मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंडों के बाद जो है हेलीकॉप्टर जो है बैक टू बैक आ रहे हैं, और बहुत ही श्रद्धालु जो है केदारनाथ पे आ रहे हैं वाया हेलीकॉप्टर। अब किया कह रही है सेकंड की वेट करेंगे, लेकिन हम अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में चलते किया कह रहा है दूसरा आने वाला है, क्योंकि किया को भी पता है बहुत जल्दी सेकंड टू सेकंडों में ऐसे चल रहे हैं हेलीकॉप्टर। चलते हैं मंदिर, मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आते हैं वापसी, और फिर स्पेयर टाइम में इंजॉय करते हुए वापस चलते हैं। तो गाइस हम लोग जो हैं हम लग गए हैं अभी टोकन की लाइन में, यहाँ से जो है मंदिर परिसर के लिए अंदर जाने के लिए टोकन मिलता है, फिर आगे आपको टोकन चेक किया जाता है, फिर आपकी एंट्री दी जाती है। टोकन की जो है लाइन देख सकते हैं आप सुबह सुबह कितनी लंबी है, और ये हमारे बैक में जो लाइन लगी हुई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग लगना चाहिए आपको लाइन में, अर्ली मॉर्निंग में जो है थोड़ी लोग उठ रहे होते हैं और आप दर्शन करके जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो प्लान था 4:30 बजे का मंदिर में जाने का था, और आधा घंटा हमारे को पहुंचने में लगता, 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं, लेकिन कियू कह रही है अभी थोड़ा और सोना है, पापा भी थोड़ा और सोना है, इस वजह से हम थोड़ा लेट उठे, और अभी हम 5:30 बजे जो हमारा 4:30 बजे उठने का प्लान था, हम 5 बजे उठे, आधा घंटा लेट हुए, और एक घंटा जैसा अभी मैंने टाइम बताया, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं हम कितने बजे निकले थे। हम निकल के मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े, देखिए सामने से आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हो, तो लेकिन मैं आपसे क्लोज से भी जाके करवाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, आपको लेके चल रहा हूँ केदारनाथ धाम, हमारा तीसरा धाम, उत्तराखंड का तीसरा धाम। फ्रेंड्स काफ़ी मशक्कत के बाद ये देखिएगा हम पहुँचे हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे जो है लंबी लाइन है, और जो है केदारनाथ जी के मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद जो 6 घंटे की है लंबी लाइन है। तो ये देखिएगा फाइनली यहाँ से जो हमारी लाइन टर्न होगी वो मंदिर के अंदर जाएगी, तो ठीक है बने रहिएगा अभी मंदिर के अंदर पहुंच के, उसके बाद आपको मंदिर परिसर के दर्शन करवाते हैं। फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम, और ये मेरे बैक में जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है केदारनाथ धाम, और हमारा तीसरा धाम भी है वो कंप्लीट हो गया है। हम मंदिर के अंदर जो है दर्शन कराए थे और तब बाहर आए हैं, और कर आए हैं तो बाहर आए हैं। एक्चुअली मंदिर में जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा क्राउड है, यमुनोत्री और गंगोत्री में इतना क्राउड नहीं था जितना केदारनाथ में है, और काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ गए हैं, काफ़ी रात में बहुत थक गए थे, और सेकेंडली अभी मंदिर धाम के लिए जो है 3 से 4 घंटे की जो बेस कैंप में मंदिर के अंदर दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे की लंबी लाइन है, और लंबी लाइन चल रही थी। इस टाइम पर जो मैं हूँ देखिएगा भीमशिला, ये वही भीमशिला है जिसने जब 2013 में जब केदार पर ले आई थी, देखिए ऊपर से जो वहाँ से है, वहाँ से जो सारा का सारा केदार का पर ले आया था, और आते हुए यहाँ से जो है इसने बचाया था केदारनाथ धाम को, मतलब इसने जो है इसकी वजह से ये पूरी की पूरी शिला ऊपर से नीचे आई थी, और इसकी वजह से जो है केदारनाथ धाम जो है पूरा बच गया था, कोई भी चोट केदारनाथ धाम को नहीं पहुँची थी। तो फाइनली जो हम पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम, यहाँ पर बहुत ठंड है और बहुत ज़्यादा क्राउड जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा क्राउड है। ये देखिएगा लाइनें 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की तो अकेली लाइनिंग है। ये देखिए केदारनाथ धाम, मैं हूँ मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में, मेन गेट से जो बैक साइड का गेट है उस साइड में हूँ, और बैक साइड में देखिएगा ये है भीमशिला, और वहाँ से जो है पर ले आई थी, और ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा महाराज संत फकीर साधु
ये देखिए अपने अपने कैंप लगा के और बैठे हैं, और देखिएगा क्राउड, देखिएगा फाइनली दोस्तों क्राउड देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्राउड है। इसी के साथ जो है हमारा थर्ड धाम केदारनाथ धाम भी जो है कंप्लीट हो गया। तो आपके साथ, हमारे साथ बने रहिएगा, अब हम चलेंगे इसके बाद बद्रीनाथ धाम, हमारा जो चार धामों में से बद्रीनाथ धाम रह गया। अभी हमारे को यहाँ से जो है 22 किलोमीटर की एग्जैक्टली चलाई है, देखिए 16 किलोमीटर बोला जाता है, मैंने सभी से कंफर्म कर लिया, यहाँ से सब ने मेरे को यही बोला है कि 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, 16 किलोमीटर लिखने में है लेकिन एग्जैक्टली एक्चुअली में जो है 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। और दोस्तों चढ़ाई में जी जहान लगता है, देखिए मैं आपको फाइनली बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था नीचे जा क्लियर करूँ, और चढ़ाई में जी जहान पूरा लग जाता है, ऐसे ही नहीं केदार बाबा के दर्शन होते, केदार बाबा के दर्शन मैं पा के सच में अपनी लाइफ में धन्य हो गया। और मैं आपको इसी के साथ एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज जो है, आज अभी जो मेरे हैं उत्तराखंड के, मेरे शंकी आपके गुमकड़ शंकी के, उत्तराखंड के चार धाम जो है, चारों धाम कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जो बद्रीनाथ जी के धाम के दर्शन और हेमकुंड जी के दर्शन मैं आज से 4 साल पहले करके गया था, मेरे चार धाम जो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन किया के, ममता के और आप सब लोगों के चार धाम में चौथा धाम अभी रहता है, उसके लिए हम चलेंगे बद्रीनाथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं चल रहा हूँ अब आपको लेके बद्रीनाथ की ओर, और आपको जो चौथा धाम है, चौथा धाम के दर्शन करवाऊँगा। तो मेरे साथ अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में चलेंगे और चल के, और आपको वहाँ से चौथा धाम, जो कि हमारा चार धाम के लिए हम निकले हुए हैं, चौथा धाम हमने सारे जो है धाम आपको दर्शन करवाए, चौथे धाम के लिए निकलेंगे और बद्रीनाथ धाम के आपको भी दर्शन करवाएंगे। और जो है हमने, मैंने मेरे हो चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करूँगा, चारों धाम को कंप्लीट करवाएंगे, आपके भी और हमारे भी चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो बनिए रहिएगा, अगर आपको वीडियो कहीं से भी कैसे भी कुछ भी लग रही हो, शेयरिंग कर लग रही हो कि ठीक है जी कोई मेहनत हुई है बंदे की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय केदार बाबा, बने रहिएगा, जय केदार बाबा। तो गाइस भीमशिला के दर्शन करवाने के बाद अब हम चल रहे हैं नीचे की साइड में, केदार बाबा के मंदिर के बिल्कुल जो बाहर का परिसर है उस साइड में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ से जो है रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से नीचे जाने का, देखिएगा भोले शंकर भोले भंडारी, देखिएगा महाराज जी खड़े हैं और जो है तिलक कर रहे हैं, क्या नज़ारा है जी केदार बाबा का। यहाँ से आगे हम नीचे, ये मंदिर परिसर है, और मंदिर परिसर के जो ये जो है चारों तरफ का यहाँ पे जो है ब्लॉग वगैरह, सेल्फी वगैरह और फोटोज वगैरह, देखिएगा महाराज सेल्फी सब लोग यहीं लेते हैं। तो ये देखिएगा सब साधु संत महाराज जो है बैठे हैं, ये देखिएगा यहाँ से जो है आप जो केदारनाथ का कुंड है, जो कुंड का केदारनाथ का जो पानी है यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। देखिएगा ये महाराज जी जो है आपकी बोतल के अंदर जो है पैक कर रहे हैं पानी, आप दक्षिणा रखिएगा, महाराज जी पानी जो है भरते रहेंगे, और आप इसको जो भी जल है केदारनाथ कुंड का उसको यहाँ से आप लेके जा सकते हैं और लेके जाते भी हैं। और ये जल जो है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आई थिंक चढ़ता है, एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा, जहाँ तक मुझे अभी नॉलेज है वो यहीं तक है, पूरी जो नॉलेज है वो मैं भी यहाँ से किसी से गैदर करूँगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहिएगा, अभी मैं आ गया हूँ केदारनाथ के नीचे, केदारनाथ के नीचे वाले, केदारनाथ के चारों तरफ में जो बहुत बड़ा हॉल वगैरह और लॉन वगैरह बना हुआ है, मैं उधर आऊँगा, बने रहिएगा, चल रहे हैं अभी यहाँ को कवर करते हुए। देखिएगा जी केदारनाथ घाटी में नज़ारा कुछ अलग ही, देखिएगा Oh,
ये है केदारनाथ जी की आरती, जब ये मैंने आपको दिखाई, मैं फिर आपको और दिखाता हूँ, ये देखिएगा केदारनाथ जी की आरती है, ये केदारनाथ जी की आरती देखिएगा किस तरीके से होती है यहाँ पे आरती। जय केदार की जय। ये जी केदारनाथ बाबा की आरती, आरती का समय और आरती इस तरीके से निकाली जाती है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हर हर महादेव। उधर उधर ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, चल फिर चल। बेटा हाथ पकड़ो। हमने कर लिए हैं अब केदार बाबा के दर्शन, और ये देखिएगा ऊपर जो दर्शन कर रहे हो, ये है भैरव बाबा के दर्शन, और जो कि यहाँ से काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। हम लोग ने नीचे से ही माथा टेक लिया है, और हम लोग अब कर रहे हैं वापसी गौरीकुंड के लिए। हम यहाँ से अभी चल रहे हैं वापसी के लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इस बार हम कुछ भी जो है कंडी वंडी वगैरह नहीं कर रहे, नकिया को अपने कंधे पे लेके जाऊंगा और नीचे तक चलेंगे। थोड़ा बहुत किया कह रही है मैं चलूंगी, चलेगी ना, थोड़ा बहुत किया चलेगी। किया कल कंडी से बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए आज इसने मना किया, कह रही है मेरे को कंडी में मत बिठाना, बास्केट में मत बिठाना। तो मैं इसको लेके जाऊंगा, हिम्मत करते हैं जहाँ तक ले जाया जाएगा, देखते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा, हिम्मत हारेंगे नहीं, चले चलते हैं नीचे। तो यात्रा करते करते हम पहुँच गए हैं वो पॉइंट में जहाँ पे जो है आइस वगैरह स्नो वगैरह जो है, यहाँ से देखिएगा ऊपर से है, और ये देखिएगा ये स्नो है, ये देखिएगा, और यहाँ से देखिएगा नीचे स्नो। क्या बेटा ये देख, हाँ देखिए जी, श्री केदारनाथ के आगमन पर रुद्रप्रयाग पर दो दर यात्रा के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल डंडी की जो है ये दरें हैं, जो पालकी होती है उसकी दरें हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और आराम से देखिएगा, बाकी मैं फ़ोटो भी जो है इसका डाल दूंगा। चलिए चल रहे हैं आगे, ऐसे जाने के बाद हमारे पास वीडियो तो होंगी, कुछ बनाएंगे तो। आजा आजा बात करते करते आजा, इस साइड ले लेंगे ना कैमरे को, फिर आप आते हो सारे घोड़े पता नहीं कट्ठे ही निकल निकल के आते हैं। मुझे पर युवा गीत दे दे नमस्ते जी, तुम्हारे चारों तरफ कैमरा, कब आन की वीडियो और भी रहा हो रा, ये तो मेरा रास्ते खराब है। मेरे को शॉर्ट कट पकड़ गए थे ना वो वाला, इधर से आ गए दीदी, हमारी भी वीडियो में यहाँ से पर्ची चेक हुई थी, चल कर दे बंद। अच्छा लग रहा है ना, ये तो बस चले ना धक्का मार जाएंगे ऐसे घोड़े हो गए, बंदा खुद ही संभल पाकर।
चलो 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 हेलो। हॉरिजॉन्टल